हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इन्फोगुरु अभिषेक। दोस्तों, जैसे कि एयर कैप्सूल को मैं ज़्यादातर आपको रेकमेंड करता हूं, अगर आपका बजट है 1200-1500 रुपए की रेंज में, तो दोस्तों कभी भी कोई दूसरे शूज़ की जगह आप एयर कैप्सूल ही परचेज़ कीजिएगा, और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लें तो वो बेस्ट है। दोस्तों अभी मेरे हाथ में जो है ना, मेरा एक यूज़ किया हुआ शूज़ है जो एयर कैप्सूल में है। इसकी ब्रांडिंग भी सब पूरा एयर कैप्सूल में है और ये ड्रैगन शूज़ है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसका जो है ना अनबॉक्सिंग तो मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, लेकिन उसके बाद आज मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है ना एयर कैप्सूल में क्या है। दोस्तों ये देखिएगा, ये इसमें इंस्टॉल है मेमोरी टैग का। ये नॉर्मल जो है इसके अंदर हल्का सा लिक्विड होता है, लेकिन ये इसको अगर हम काटते हैं तो इसमें से फोम निकलती है, ये मैंने देखा था। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो आइए सबसे पहले इसको हम जो है ना इसको पहले खोल के देखते हैं। दोस्तों हमने देखा इसको पूरी तरह से सोल को, इनसोल और आउटसोल को खोलने के बाद, अगर हम बात करें ऊपर से तो ये पूरा नायलॉन है, बड़ा मजबूत सोल है अगर हम बात करें इस सोल की। और अगर हम ऊपर की बात करें तो ये आउटसोल जो भी है इसका, ये बहुत ही अच्छा है और ये नायलॉन का है। और इसको पीछे की साइड आप देखेंगे तो एक यहाँ पर सोल से ऊपर यहाँ पे कॉटन का ना एक इंसोल है, वो लगा रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एयर कैप्सूल टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों ये पिलॉन सोल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो न्यू शूज़ होता है, न्यू शूज़ का जो पिलॉन सोल होता है, ये देखिएगा ये पूरा कवर्ड होता है, ऊपर से ये ग्रिप बनी रहती है रबड़ की। पिलॉन सोल के ऊपर ये रबड़ की ग्रिप होती है, जिस वजह से क्या होता है कि कभी भी आपको अगर कहीं स्लिप वाली बात आती है तो कहीं जल्दी से आप इसमें स्लिप नहीं होंगे। तो दोस्तों ये शूज़ है, इसमें अगर हम इसके पीछे की बात करें, जो ये एयर कैप्सूल है इसमें ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हवा भरी हुई है। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें ये इस तरह से ना छोटे 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 हॉल हैं। इसमें जब आप इसको अपना जब आप इसको पहनते हैं, पहनने के बाद जब इसमें आप अपने पैर का प्रेशर देते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे की साइड में आ जाता है, और ये जो है ना अंदर से आपका बड़ा कम्फर्ट फील करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको स्मेल जल्दी से नहीं आती। दोस्तों अभी जो ब्रांडिंग एयर कैप्सूल की हो रही है, जो मतलब अगर हम बात करें कैंपस की या और कंपनी दूसरे नाम से देती है, लेकिन अगर आज हम वीडियो बना रहे हैं कैंपस की, तो कैंपस का जो एयर कैप्सूल है ना, ये कैप्सूल में ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हवा भरी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। अंदर से इसको खोलने के बाद आप ये देखिएगा, ये नीचे से पिलॉन सोल है, ये अच्छा खासा यूज़ होने के बाद भी ये टूटा नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही दमदार है, और चाहे आप कोई से भी कलर का लें, और अगर ड्रैगन का लें तो मोस्टली ये जो पिलॉन सोल है ना, ये बड़े कमाल का शूज़ है। और पिलॉन के साथ साथ ये जो एयर कैप्सूल टेक्नोलॉजी है, ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसके अंदर हॉल बने हुए हैं, छोटे छोटे हॉल हैं, और ये हॉल जो है ना आगे जाके बंद हैं। जी हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पिलॉन सोल के आगे जो ये हॉल वाली टेक्नोलॉजी है, यही है एयर कैप्सूल टेक्नोलॉजी। दोस्तों मुझे इतने सारे शूज़ पहनने के बाद ना, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एयर कैप्सूल शूज़ है, सिर्फ यही मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज़ इसके बाद जितनी भी टेक्नोलॉजी इनकी आती है, जैसे कि आपकी बीट्स हो गई और रिफ्लेक्शन वाले जो रिफ्लेक्ट शूज़ हैं, कोई भी मुझे इतना स्लिम फिट नहीं लगता जितना अच्छा मुझे जो है ना एयर कैप्सूल का ये ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, एयर कैप्सूल में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, लेकिन जो ये ड्रैगन है ना, ड्रैगन परफेक्ट है। तो दोस्तों मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है,
ठीक है एक अच्छी टेक्नोलॉजी है इनकी एयर कैप्सूल की, लेकिन एयर कैप्सूल का मतलब ये नहीं है कि अंदर कुछ हवा या गैस भरी हुई है या उसके अंदर आपको स्प्रिंग लग रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ हॉल बने हुए हैं। इन हॉल के अंदर दोस्तों, इसके अंदर जब आपका प्रेशर पड़ेगा ना टायर का, तो ये आप देखना कि कितना मज़ा आता है इसमें ना, बड़ा ही जंपिंग वाला जो है ना फील महसूस होता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब मैंने ये एयर कैप्सूल का शूज़ का ड्रैगन का रिव्यू किया था अब से 3 साल पहले, तो आपने मुझे 1.5 लाख व्यू का बड़ा प्यार दिया था। बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे 1.5 लाख का व्यू दिया। आपने बहुत सारे मुझे कमेंट्स किए और अपना अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन भी दिया। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा कि आज 3 साल बाद मैं इस शूज़ को खोल के आपको दिखाता हूँ। और आज मैं ऑलरेडी शूज़ ले भी रहा हूँ और इसको मैंने जो है ना परचेज भी किया है। और ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा, अच्छा ब्रांड अगर आपको लेना है तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके आसपास के दुकानदार हैं बेचारे दुकान खोल के रखते हैं और इतना खर्चा करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा उनसे ही आप लेस ले लीजिए, 10-15%, यहाँ तक आपको 20% तक भी वो लेस दे देंगे, लेकिन वो आपको ओरिजिनल देंगे। आप वहाँ पे जाके कह सकते हैं कि सर ये जो शूज़ है ये मुझे डुप्लीकेट मिला है या कॉपी मिला है, आप ऑनलाइन वाले को ना पकड़ नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप अगर ट्रस्टेड साइट से लेते हैं, चाहे वो आपका AJIO हो, चाहे वो आपका Amazon हो, Flipkart हो, वहाँ पे आप रिटर्न की पॉलिसी पूरा अपडेटेड होता है, तो वहाँ कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने अनट्रस्टेड साइट से शूज़ कुछ भी ले लिए, किसी भी ब्रांड के ले लिए, रेड चीप हो, चाहे वो आपका कैंपस हो, चाहे वो रिबॉक हो, नाइके हो, वुडलैंड हो, आधे से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 80% लोग सब कॉपी बेच रहे हैं। और आप दिल्ली जाके देखेंगे ना तो कॉपी और डुप्लीकेट के इतने अंबार आपको मिलेंगे। जो शूज़ वुडलैंड का 3800 रुपये का है, यानी कि नियर बाई 4000 का, अगर आप उसकी कॉपी या उसका डुप्लीकेट ही लेते हैं तो आप जानते हैं कितने का मिलता है, सिर्फ 900 रुपये का। तो दोस्तों ये जो फेक सेलर्स होते हैं वो अनट्रस्टेड साइट पे आपको दिखाएंगे ओरिजिनल और देंगे वो आपको कॉपी या डुप्लीकेट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ध्यान रखिएगा, कंपनी आउटलेट से लें, ट्रस्टेड साइट से लें, या लोकल में जो आपके आसपास का स्टोर है या फिर शॉप है वहाँ से लीजिए। वहाँ कम से कम आप पूरा बिलीव करके तो लेंगे और वहाँ का बिलीव होगा, उसकी गारंटी रहेगी कि ये डुप्लीकेट नहीं होगा। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और साथ में जल्दी आता हूँ नई वीडियो के साथ।